बसवा कल्याण में एएमजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ग्रैंड हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन हुआ, जिसके चर्चे आज पूरे बसवा कल्याण में चल रहे हैं। एएमजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑफिस बसवा कल्याण हरालैया चौक कोर्ट रोड पर ओपन हुई है, जिसका इनॉग्रेशन कर्नाटक का हाउसिंग वर्क एंड माइनॉरिटी मिनिस्टर बिजर जमीर अहमद खान के हाथों किया गया है। और इस मौके पर मुनाबाद हिरेमठ संस्थान से श्री ब्रावीर गंगाधर शिवाचार्य जी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और मौलाना शरीफ मजहरी साहब के अलावा दीगर कई पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स इस इनॉग्रेशन में मौजूद थे। एएमजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद महबूब पिछले 15 सालों से कंस्ट्रक्शन फील्ड में बेंगलुरु हैदराबाद के अलावा हुमनाबाद, राजेश्वर, सस्तापुर, बसवा कल्याण और दीगर आसपास के इलाकों में कई एक लेवर्स और प्रोजेक्ट पर काम कर डेवलपमेंट किए हैं। इस इनोग्रेशन में मालावी नारायण, अयाज खान बीदर, अनवर पाशा स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन, अलहाज मखदूम मोहियुद्दीन लिलंगा, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद रईस के अलावा दीगर कई मुख्तलिफ इलाकों से पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर्स और वेल नोन पर्सनैलिटी यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर बिजर जमीर अहमद खान, रहीम खान के अलावा दीगर सभी मेहमानों ने एएमजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद महबूब को ऑफिस इनोग्रेशन के मौके पर मुबारकबाद पेश कर आगे और कामयाबी के लिए दुआएं की हैं। एएमजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लीगल एडवाइजर अशोक किन्नी एडवोकेट के अलावा इस कंपनी की तमाम टीम के सपोर्ट से और खासकर बसवा कल्याण के आवाम के भरोसे से आज ये कंपनी बुलंदियों पर है। आपको बता दें, 2002 से लेकर 2009 तक सैयद महबूब ने फुटवेयर और टेक्सटाइल बिजनेस में कामयाबी हासिल कर 2009 से कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की और आज इनकी कामयाबी आप खुद देख सकते हैं। और इस इनोग्रेशन के मौके पर आखिर में सैयद महबूब के साथ खदीर आर्किटेक्ट और एडवोकेट अशोक किन्नी ने सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर तमाम डिटेल बयां की हैं। इस इनोग्रेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के ग्रैंड ओपनिंग प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूं कि आप यहां आए और इस इवेंट को ग्रेस किया। थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही खास इंसान के बारे में बताना चाहूंगी, जिनके लिए और जिनकी वजह से हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सो He is none other than Mr. Sayed Mehboob sir, जिनका जन्म और परवरिश बसवा कल्याण के तडोला में हुआ। एसएसएलसी के बाद बड़ी छोटी सी उम्र में वो अपने करियर के सिलसिले में बैंगलोर शिफ्ट हुए। वहां पे बैंगलोर में उन्होंने बहुत सारे बिजनेस में सक्सेस हासिल की, जैसे फुटवेयर बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस और कंस्ट्रक्शन बिजनेस। जैसे कि आप सब जानते हैं, he is involved in construction business। उन्हें ये एहसास हुआ कि बैंगलोर के बजाय वो अपना बिजनेस, अपना टैलेंट और अपना जो जुनून है काम के लिए, वो अपने होम टाउन में बसवा कल्याण में करें। सो बसवा कल्याण की प्रगति के लिए वो बसवा कल्याण वापस आए एंड he decided to work at his place of birth, at his roots। और एडवोकेट अशोक किन्नी के मेंटोरशिप और गाइडेंस के अंडर रह के उन्होंने अपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एडवोकेट अशोक जी के लिए। इनका मेन पर्पस है, मेन विजन है कि वो अपने नेटिव को, बसवा कल्याण को डेवलप करें और सभी प्रकार के लोगों के लिए करें जो इकोनॉमिकली वीक, मिडिल और रिच सेक्शन में आते हैं। और इसी मकसद के साथ वो सभी के लिए एक मजबूत सोसाइटी बनाना चाहते हैं
तो इस मकसद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चाहिए जनाब सैयद महबूब साहब, कम से कम एक साल से लगातार इस ऑफिस ओपनिंग मेरे से और रहीम खान से कराना करके एक डेढ़ साल से वो इंतजार करते आते थे। आज उसका भाई और हमारे रहीम खान अयासान तनवर साहब सब मिलके आज ये ऑफिस की ओपनिंग किए। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये ना मैं बेटो, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस कंपनी को बहुत ऊंचाई तक बढ़ाए। ऊंचाई में बनने के बाद गरीब लोग का थोड़ा ख्याल रखो, क्या बोला? गरीब लोग का ऊंचाई में बनने के बाद सिर्फ अमीर लोग का देखना नहीं, गरीब लोग का ख्याल रखना, गरीब लोग को मदद करना करके उम्मीद रखते हुए उसके साथ में जैसे भी मौलाना हमारे खादरी शरीफ साहब से, खादरी साहब के पास बैठा था जब मौलाना ने एक अच्छी बात बताई, जबीर अहमद साहब हम बहुत खुश हैं आप तमाम समाज को आप लेके चल रहे करके बोल के मौलाना ने मेरी तारीफ करते थे। वही मौलाना को बताता था हर जात को लेके हम लोग चलने का मकसद क्या है, हमारा इस्लाम धर्म हमारे को जात भेद करना नफरत आगे करना करके हमारा इस्लाम धर्म हमको सिखाया नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम धर्म मौलाना हमको ये सिखाया गया मौलाना, जैसा आप मौलाना ने बताया मौलाना इस्लाम धर्म ये सिखा, बैठे मौलाना इस्लाम धर्म ये सिखाया हमने, उस वजह से मैं हर कौम को साथ में लेके चलने का मैं काम कर रहा हूँ। ये कहते हुए दोबारा में हमारे दूसरा मेरा गुलबर्गा में फंक्शन होने की वजह से दोबारा में हमारा सैयद महबूब साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए, तमाम उनकी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मेरी बात का खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटक। उद्घाटन हुआ है, एक अच्छी सी कंपनी है, हमारे बिगर डिस्ट्रिक्ट में बसवा कल्याण, हैदराबाद, गुलबर्गा, इस तरह से बहुत जगह ब्रांचेस, ये लोगों की एक अच्छी सी सोच है कि बसवा कल्याण में भी और दूसरे एरियाज में भी अच्छा सा डेवलपमेंट, अच्छे से प्लानिंग, अच्छे से बिल्डिंग, लोगों को अच्छे से सजेशन। आजकल लोग बगल रहेंगे बगल सजेशन के प्लान ले लेते हैं, बन लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है समस्या। तो इसके लिए एएमजी जो कंस्ट्रक्शन आपको सही राय देगी और इनके पीछे हमारा पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मुझे जमीन भाई को यहाँ पे सभी हमारे बोर्ड के चेयरमैन आए हैं और यहाँ पे बसवा कल्याण बोल तो वीर नारायण साहब की याद आती है, बसवा कल्याण में जो वीर नारायण साहब जो मजबूती फाउंडेशन डाले हैं गरीबों के लिए, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटीज, इस तरह से सभी लोगों के लिए एक अच्छी सी आवाज बन के निकले हैं। और आप सभी मिलके बिदर में यहाँ के एमपी सागर जी को भी जीता है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने बोलते हुए सभी को धन्यवाद, जय हिंद। आज के दिन बड़ी खुशी और मसरत का दिन है जो हमारे सैयद महबूब साहब की ऑफिस एएमजी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, उसका आज ऑफिस का इफ्तिताह के मौके पर मैं महबूब साहब उनके तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और ख़ास करके हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो कि बेंगलोर से गुलबर्गा आने की शिरकत किए और साथ में मेहमान खसूसी हमारे रहीम खान साहब और दूसरे भी डिग्निट्रीज जो मौजूद रहे, उनका सभी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद महबूब साहब कोई नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह महबूब साहब जो है एएमजी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि काफ़ी फॉर्म जाना जाता है बसवा कल्याण और उसके अतराफ एरियाज में, ख़ास करके बसवा कल्याण, तडोला, राजेश्वर, मोलकेरा, काफ़ी दस के करीब एक डिकेड के करीब से इनके प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं
और इनकी ख्वाहिश थी कि ज़मीर अहमद ख़ान साहब के हाथों इनके ऑफिस की इफ्तिताह हो, तो वो तकरीबन एक साल से उनका इंतज़ार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन ऑफिस का इनॉग्रेशन अमल में आया है, और मैं महबूब साहब को और उनके साथी टीम को यही गुजारिश करूंगा कि जैसा करते आए हैं 10 सालों से काम, वैसा ही अंजाम देते रहें। महबूब साहब जो हैं, उनका मकसद मेन यहाँ बसवा कल्याण आने का मकसद यही था कि बसवा कल्याण में बेंगलोर से बसवा कल्याण आने का मकसद यही था कि सभी ग्रुप के सभी कास्ट के लोगों को मिलजुल कर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लेकर मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप सभी लोगों के वर्क के लोगों को साथ में लेकर अपने बिजनेस को डेवलप करना है। वो एक ही मंशा से जो है बेंगलोर से बसवा कल्याण आए थे, और ऑफिस का एड्रेस महबूब साहब के AMG कंस्ट्रक्शन का लोकेशन जो है हरलाया चौक हरी कॉम्प्लेक्स बसवा कल्याण। ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜನತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು AMG ಕಂಪನಿ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ್ ಅವರು, ಇವರು 2019 AMG ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರ ನಿವೇಶನಗಳು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡಿದ ನಿವೇಶನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಅವರ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಮೃತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರ ಹಸ್ತಾಮೃತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಖದೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸೈಯದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೋ ಬಿ ಹಮಾರೆ ಮೆಹಮಾನ್ಸ್ ಆಯೇ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ಔರ್ ಖಾಸ್ ತೌರ್ ಸೇ ಹಮಾರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಕಾ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಕಹನೆ ಪರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೇ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕರೆ, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಉನ್ಕಾ. ಔರ್ ಜೋ ಬಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಯೇ ಉನ್ಕಾ ಭಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ಜೋ ಪೂರೆ ಹಮಾರೆ ಮೆಹಮಾನೋ ಕಾ ಭಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. AMG ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೋ ಹಮಾರಿ ಕಂಪನಿ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಇಸ್ಸೆ ಕಾಮ್ ಜೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಯೇ ಹಮ್ 2009 ಸೇ ಹಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿಯೇ ಥೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಜೋ ಆಜ್ ಜೋ बहुत ज़्यादा इसमें आया तो हम रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड करें उसे. और मेरी ख्वाहिश थी जो बेंगलोर से हम यहाँ पे आके काम करना बोल के, यहाँ का हमारा होम टाउन है, यहाँ पे हम डेवलप करना, इसके लिए हम आए और पहले वहीं पे काम करते थे हम, अभी यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं हम. और जो हमारे साथ में जितने भी हमारे ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए बहुत सारा हेल्प करे, ख़ास तौर से हमारे अशोक किरणी एडवोकेट साहब जो हमको पूरा गाइडलाइंस करते और पूरा हमारे काम का पूरा देखते उन्होंने. मैं और एक बार सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल के गहराइयों से जो हमारे प्रोग्राम में सभी लोग शामिल हुए और जो हमारा प्रोग्राम को सक्सेसफुल करे.